हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दैट इज़ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूशन है जिनकी तरफ से वैकेंसीज़ का एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है आप चाहें तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो है घनी गन, घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत अंदर दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ठीक है सो so, ये है इंस्टीट्यूशन अब उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो सो so देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है इनकी वेबसाइट पे आना वेबसाइट है जी के सी आई ई टी डॉट ए सी डॉट इन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर आप आएंगे ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो आपको कैंपस से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं आप और जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सेक्शन जिसमें अपडेट रिक्रूटमेंट टेंडर एडमिशन सर्वे ठीक है सो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एल्स आप यहाँ रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने अलग जो डेडिकेटेड पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है डाउनलोड एडवर्टीजमेंट डिटेल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट तो आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और करिएगा ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं और यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अप्लाई तो यहाँ पर ब्लू कलर से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट है टेंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ठीक है सो so, हम चलिए एडवर्टीज़मेंट ओपन करते हैं और इंस्ट्रक्शन को देखते हैं स तो देखिए ये है एडवर्टीज़मेंट नंबर वन स्लैश ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो दो हज़ार इक्कीस की पहली इनकी तरफ से एडवर्टीजमेंट है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग प्रोफेशन सॉरी पोजीशंस ठीक है सो so फैकल्टी और जो टेक्निकल स्टाफ की पोजीशंस है वो किस किस डिपार्टमेंट में है तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है ओ की एक पोस्ट है उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है अनरिजर्व ठीक है सो so आप इस ध्यान रखिएगा सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में दो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में तीन है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक है ओ सॉरी एक है फोरमैन की और दो तो हैं वैकेंसीज टेक्निकल असिस्टेंट की राइट उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग में तीन है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में अगेन फोर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोर मैन के लिए वन है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वन है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही सीट है जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िजिक्स में एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री में एक है अनरिजर्वड की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट सिमिलरली मैथ्स में एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में एक है सोशलोलॉजी में एक है ये दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सो so, टोटल है ट्वेंटी ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अब जो नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं तो एक है डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट ठीक है डिप्टी रजिस्ट्रार दो पोस्ट हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की राइट right? और एक है जिसमें से परमानेंट और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल तीन साल के लिए सीनियर असिस्टेंट या कैशियर की एक पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की दो पोस्ट हैं सो नॉन टीचिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें टोटल सिक्स पोस्ट हैं राइट right. सो so, ये जो डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं वो थी यहाँ पे पे स्किल्स वगैरह मैंशन है और उसके नीचे क्वालिफिकेशन सो so, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप बी बी टेक बी एस एम ई एम टेक एम एस या इंटीग्रेटेड एम टेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास से राइट right? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स के लिए ये था और यहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले डिपार्टमेंट के लिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर्स होना चाहिए उसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए राइट और बाकी इन्फॉमेशन पढ़ लीजिएगा वो वही है एक्चुअली कि 11 जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने किया उनके लिए नेट सेट से छूट है ठीक है उसकी कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे मैंशनड है तो ये कुछ बातें थी उसके अलावा यहाँ फोरमैन के बारे में लिखा है कि क्वालिफ़िकेशनस की बी होना चाहिए दैन सीनियर टेक्निकल असटेंट के लिए लिखा है देन टेक्निकल असटेंट के लिए डिप्लोमा या यान ट्रेड हो या फिर बी डिग्री हो आपके पास फ़र्स्ट क्लास किसी एक साइंस के डिसिप्लिन से राइट सो एज लिमिट थर्टी इयर्स है इसके लिए उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री वगैरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो सिमिलरली जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए तो ऑब्वियसली सिर्फ टेन प्लस टू होना चाहिए और सीनियर असिस्टेंट के लिए भी राइट right? तो so, ये कुछ बातें थी ये थी एलिजिबिलिटी अब आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली राइट उसके अलावा आपको स्कैंड कॉपीज अपलोड करनी होंगी लास्ट डेट है टेंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाकी और जो भी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं राइट और यहाँ पे सर्विस की कंडीशंस हैं दैन जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फोटो कैसा हो और ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ़ीस है रुपीज़ वन थाउजेंड जो कि ऑब्वियसली ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी आपको और एस सी एस टी पी डब्ल्यू को कोई भी फी पे नहीं करनी है दे आर एग्जेम्प्टेड राइट उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर सॉरी एविडेंस ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी तो यस yes, ये थी इंफॉर्मेशन अब आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा इन सेंस पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से सो यस दैट इज़ इट थैंक यू सो मच